हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गुड न्यूज़ ऑफ डक है, ये कि बत्तख ने आज पहला अंडा दिया। अंडा भी मैं दिखाऊंगा थोड़े आखिर में, मैं आपको अंडा दिखाऊंगा, उससे पहले छत पे दिखा दूँ। क्या हुआ? अच्छा, ला दे। तीन बजे फोन आया, मैं चार्जर लेके आया, वो लग ही नहीं रहा। अच्छा, अभी लगाता हूँ मैं। सही है, इसके नलके भी अंडे हैं, जोड़ ला। ठीक है, सारे कबूतर अच्छे हैं और दो जोड़े नए आए हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। देख नहीं रहे इसमें है क्या नहीं, में एक एक पार्ट है दोनों का, एक एक पार्ट उस पिंजरे में होगा। वैसे बताना भूल गया था मैं, क्या हुआ बताना भूल गया था कि मैंने इस जोड़े इस पिंजरे में भी इस पार्ट कर दिए कबूतर रखना। चल भाई देख रहे, ये मादी देख रहे हैं, इसका नर है ललसरा, ऐसी ये नर है एक, वो भी दिखाऊंगा मैं। ऐसा करता हूँ अभी छोड़ के दिखा देता हूँ एक साथ दोनों को। बहुत टाइम हो गया इनको इसमें डालने के, आज जैसे जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के लिए भी जाना, जुम्मे की तैयारी करनी है मुझे। तो एक मैं रोके कैमरा साफ कर लूँगा, साफ हो गया। पत्ते मादी जो है वो ये है, ये मादी जो बैठी हुई है ना, ये मादी है नर, इसका ये है ये वाला नर है, ये मादी है अपने नर के पास ही है। ठीक है, एक और ऊपर, ये इसकी मादी नहीं आई अभी तक, इसकी मादी ढूंढ रहा था मैं लेकिन मिल नहीं रही इसकी मादी, इसकी जैसी। अरे वो वीडियो थोड़ी कट हो गई थी तो अब देखते हैं काफ़ी। ये देखें, मैं सोच रहा हूँ इसका जोड़ा इससे लगाने का सोच रहा हूँ वैसे तो मैं। ठीक है, और ये हमारे पास गिफ्ट आया, वो है ना जिसको एक बंदा है हमारा रेगुलर है, वो ख़रीदता है हम, तो उसने ये दिया गागरा। ये वो है बनारसी गागरे होते हैं, उसमें से ये पट्ठा कबूतर है अभी ज़ीरो कली का, उसने ये मुझे दिया है। ठीक है, और एक मैं उसका डंडी सही कर लूँ। और मैंने दिखाया आपको तकरीबन, और ये हमारा रेसर सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं अब रेसर चढ़ी, देख सकते हैं रेसर की तो पहले भी दिखाई है मैंने येलो वाश, ये बहुत बेहतर हो गया। पहले तो ये खाता भी नहीं, तब तो खुद से खा रहा है और लेकिन सीधा चल रहा है। पहले दिन जब दिखाया था मैंने आपको, जब यह कलाबाजियाँ मार रहा था मतलब कि पागल हुआ पता, आज अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है और सही खा रहा है। बाकी यही वो अपनी चोटी वाली ये, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं शराजियों में से, वैसे तो ये पपई कहलाते हैं, ये शराजी पपई। ठीक है, ये वो है, इसका भी नर सोच रहा हूँ मैं नर कौन सा लगाऊँ। वैसे तो इसको ये ऐसे जोड़े लगते नहीं है लेकिन फिर भी मैं आड़े तेड़ा लगा के मुर्गी के अंडे रखने के लिए मैं करता हूँ ये। इसके साथ शराजी मिल गया नर तो बच्चे अच्छे निकालेगी। वैसे ये मेरा लगा पता जोड़ा ही, एक बार और 50 इंची ऊपर रखूँ। अब मैं आपको उधर की सूरत हाल दिखाता हूँ, ताला लगा दूँ। वाह, सोडा ले आया हूँ मैं, सोडा लेकर आई हूँ, उसमें सीमेंट लगा देंगे। एक पाव क्या थोड़ा सा है, एक चमचा चाहिए था बस। अब चले आ गया, बस सही है। ये देखे बड़ा कुंडा ला के रखा था तो ये चटक गया। हाँ, ये देखें, ये भी खोल दिया हमने नया, ये खोल दिया। 5 कबूतरों में से तकरीबन 3 भाग चुके हैं, वो 2 भाग चुके हैं, वो एक तो पर बंदे चला गया, 2 खोल दिए थे। तो एक ये घूम रही है हमारी, ये काली जो आ रही है इस तरफ, एक ये है, ये टिक गया,
ये टिक गया है किधर, बाकी भाग गए। वाली तो बड़ी तेज़ है, वैसे उसको खोल नहीं रहा हूँ। अब इसमें आज एक सैड बैड न्यूज़ भी है, इसका ये काला बच्चा जो बैठा हुआ है ना ऊपर, आपको दिखाया था एक ग्रे और एक काला है, ये वो ग्रे वाला मर गया है, वो काला वाला बच्चा इसकी देख देखी है, मतलब इसे खाने में ये भागता है, वो नहीं भागता था। दिखाते हैं इनके अंडे, देखें ये अंडों पर बैठा हुआ है, ठीक है। मुर्गी के अंडे भी रखे हैं उसके अपने भी, ये अंडों पर बैठा हुआ है, हमारी बार में मादी जली हुई कल्सर है, जो जोड़ा लगा रहा था, जोड़ा तोड़ के उसे लगा लिया। देखते हैं ये भी अंडे दे देगा सर, मैंने पूरे दे दिए पैसे। हाँ हाँ, ये देखें ये सब इनसे भी रखे हैं अंडे। भाई थे कितने थे, 250 रुपये थी। एक मिनट रुके, और इसका एक अंडा मुर्गी खा गई थी, बच्चा बना हुआ था अंदर, खूनम खून हो गया था। देखें इधर भी खून है, देखो ये खून है, ये भी अंडे दे देगा सर। मैंने पूरे दे दिए पैसे। हाँ हाँ, ये देखें ये सब इनसे भी रखे हैं अंडे। भाई थे कितने थे, 250 रुपये थी। एक मिनट रुके, और इसका एक अंडा मुर्गी खा गई थी, बच्चा बना हुआ था अंदर, खूनम खून हो गया था। देखें इधर भी खून है, देखो ये खून है, ये दीवार पे खून था, पेटी में अंदर अंडे में देख खून है। एक मैं उसे हटा के दिखाता हूँ, ये देखें इसके नज़ारों का अंडा, ये अंडा इसके हैं दोनों अंडे हैं और एक मुर्गी का है। एक पीछे दिया हुआ है उस गली के अंदर, वो मैं अंदर घुस नहीं रहा क्योंकि अभी देर हो रही है, ठीक है। ये रही बत्तख हमारी, हो क्या रहा है गर्मी के मारे, एक तोता भी उड़ चुका है हमारा, तोता भी उड़ चुका है क्योंकि उसका पता नहीं चल सका किस तरीके उड़ा, लेकिन एक उड़ गया इस पिंजरे में से। ताला भी ऐसा गर्म हो रहा है इसमें से, लेकिन अब तोते भी है। इसको साए में बंद करूँ मैं, इसने एक अंडा दे दिया, आज शाम तक क्या पता मैं इसका पिंजरा बना लूँ, ठीक है। अभी डर रही है क्योंकि बेड पे आ गई है, डरती है। इसका अंडा मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, सारे कबूतर दिखाया, भागे कितने भागे वो भी बता दियो, कितने नहीं भागे वो भी बता दिया। पकड़ में तो नहीं आ रहे कोई खास, तब अभी तक पूरा हफ्ता हो गया नहीं पकड़ा कोई। चले इसमें भी तक खा दूँ मैं कि इनमें कितनी ब्रीड निकल चुकी है। देखें एक ब्रीड माशाल्लाह के साथ सो रहा है प्याली के अंदर, ये एक ये एक ये बच्चा निकला है, दो बच्चे अभी निकल चुके हैं, ठीक है। इसमें एक सीन हुआ है, दो मादियाँ दो जोड़ों ने एक हंडिया में अंडे दिए हैं, इस पर सामने वाले, ठीक है। नर बैठा हुआ, अब नर ऊपर जन इसमें, ठीक है। बाकी अरे इसमें ब्रीड है, इसमें सारे ब्रीड हैं, इसमें बस एक अभी जोड़े ने ब्रीड करी है, फर्स्ट टाइम ब्रीड करी है, ठीक है। बाकी इसमें माशाल्लाह पांच बच्चे निकले, बच्चे तो सात निकले थे लेकिन दो मर गए हैं, बंदी कैसे मरे। इसके अंदर अभी दो बच्चे हैं, इसके अंदर एक बच्चा, क्या पता वापसी बाहर आ रहा हूँ, ये बहुत थक रहा है, थक रहा है। अभी दाना उठा, हाँ उठा रहा है वो, देख लिया मैंने अंदर लेटा हुआ था। पानी चेंज होगा, चलें भाई आपको मैंने पूरी वीडियो दिखाई, मैंने सही है लगा रहा हूँ भैया। यार क्रिस्टिड बच्चे समझ में नहीं आ रहे किसके निकले हैं, इसमें क्रिस्टिड बच्चे किसके निकले समझ में नहीं आया मेरे अभी तक।
नर है ना क्रिस्टेड वाला, ये पट्टा जो था पिछली बार का, इसके लिए मादी लगानी है जरा राइस। बच्चे निकल, बच्चों में मादी निकल के इसका अलग ही जोड़ा कर दूंगा। ये गेरा, ये गेरा के दोनों नर निकलेंगे, सफ़ेद वाला ताज नजर आ रहा, सफ़ेद वाले का। चलें भाई, आप देख सकते हैं फर्क इन अंडों में, ठीक है। देखो कैमरा, इसमें देखें अंडा कितना बड़ा बत्तख का, और ये हमारी देसी मुर्गी का है, ठीक है। इसमें हम दोनों को बराबर रख के दिखाते हैं कि फ़र्क देखें। ये बिल्कुल गोल है, मतलब कि अंडे साइज़ का है। ये अंडे में थोड़ा लंबा होता है, मतलब कि ये साइज़ अंडा तकरीबन इतना बड़ा होगा, कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा होता है। ये तो फिर भी छोटा है अपनी मुर्गी का, इतना बड़ा ये आता है, इतना अपनी मुर्गी के साथ साथ तो इतना आता, इतना बड़ा ये तो मैं इतना पीस एक्स्ट्रा। तो ये है बत्तख का अंडा, फर्स्ट अंडा ऑफ बत्तख का। तो पहली बत्तख का है, तो अब इसके लिए नर भी देखते हैं, हम ढूंढते हैं। इतवार तक मैं नर भी इंशाल्लाह नर ले आऊँगा मैं इतवार को, आके फिर इसके भी बच्चे देखने को मिलेंगे हमें, और जोड़ा भी देखने को मिलेगा छत पे। और ये वीडियो बीच में ऐड होगी, ठीक है। आपने वीडियो देखें, अंडा फर्स्ट अंडा ऑफ डक, ठीक है। और आपको वीडियो लाइक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। और ये हमारे तीनों चूज़े, और 4 तारीख को 4 या 8 तारीख तक और भी बच्चे आएंगे हमारे पास अंडों में से, असील के, ठीक है। असील चिक्स और बफ चिक्स आएंगे, माशाल्लाह ये भी खूबसूरत है। देखें बस भागे बात, डरते हैं बिल्ली के वास्ते। चले, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। और इसी तरीके के वीडियो